बूंदी में हो रही बारिश के चलते किसानों की फसल चौपट हो गई है। जिले के हिंडौली, इंदरगढ़, नैनवा में हुई बारिश के चलते फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश का सबसे ज़्यादा असर सोयाबीन, उड़द, मक्का और मूंग की फसलों पर देखने को मिला। ज़िले में 59 पटवार मंडल में फसल खराब दर्ज किया गया है। अगस्त शाम से जो बरसात हुई उसमें अपने जो ज़िले की औसत वर्षा थी 709 mm उस दिन तक, वो बढ़ के एकदम 896 के लगभग हो गई आज दिनांक तक। इस वजह से कुछ ज़िले के कुछ पटवार मंडलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस के अनुरूप हमने मिड टर्म सीजन का इवोल्यूशन करवाया, उसके बाद DLMC की बैठक करवा कर जो जिले के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए उसमें नैनवा, हिंडौली, इंद्रगढ़ के पाटन तहसील में खराबा हुआ, जिसमें 46 पटवार मंडल में तो उड़द के हैं और 7 पटवार मंडल मक्का के हैं और 6 पटवार मंडल इसके सोयाबीन के हैं। टोटल 59 पटवार मंडलों में हमने मिड सीजन एडवर्सिटी का क्लोज लगाकर प्रस्ताव आयुक्तालय को भिजवा दिए। जिले में पिछले सप्ताहों में जो अतिवृष्टि हुई है उससे ज़िले में कई ग्राम पंचायतों में, ग्रामों में खराबा फसल पाया गया है। उसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए। सप्ताह भर से विशेष गिरदावरी का कार्य चल रहा है। मोटे तौर पर जो सोयाबीन है, मक्का है, उड़द है, उसमें विशेष तौर पर खराबा पाया गया है। फसलें नष्ट हो रही है भारी बरसात की वजह से, जिसे सरकार से हम निवेदन करते हैं जो हमारे मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। और सोयाबीन, मक्का, उड़द, तल्ली, ये सब नष्ट हो गई सर। हमारे 50-60 बीघा मूंग, उड़द, तल्ली ये थी जो सब नष्ट हो गई सर। बूंदी जिला में ज़्यादा बारिश हो का कारण सोयाबीन, उड़द, मक्का की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान जी में, तो खास कारण तो नुकसान जी में मक्का की, सोयाबीन की, उड़द की,